नगर परिषद चुनाव के संबंध में चर्चा करने के लिए बुलाया गया सभी को, और मेरा सभी को ये संदेश है कि जो आचार संहिता के नियम बने हुए हैं उसकी हम लोग सब पूर्ण रूप से पालना करें और आपके माध्यम से भी प्रचार प्रसार करें, कोई उल्लंघन नहीं करें और शहर में शांति और सौहार्द बनाए रखें। इस प्रकार से हमने शांतिपूर्वक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव करवाए निष्पक्षता के साथ, उसी तरह से ये चुनाव भी सम्पन्न हो और हम शहर के जनप्रतिनिधियों का चुनाव कर सकें। सर क्या रहेगी चुनाव प्रक्रिया पूरी बताएं। पूरी चुनाव प्रक्रिया जैसे कल चुनाव आयोग ने बताई थी, 1 तारीख को नोटिफिकेशन हम जारी करेंगे और उसी दिन से नॉमिनेशन चालू हो जाएगा और नॉमिनेशन की लास्ट डेट 5 तारीख रहेगी, 5 तारीख को 3 बजे तक। उसके बाद 6 तारीख को हम उसकी स्क्रूटनी करेंगे जो भी फार्म आएंगे और नाम वापस लेने की डेट 8 तारीख रहेगी और चुनाव चिन्हों का आवंटन 9 तारीख को किया जाएगा और मतदान की तिथि 16 तारीख को सुबह 7 बजे से 5 बजे तक रहेगी। सर जैसे कोई भी ओबीसी सीट है यहाँ पे, ओबीसी का कोई पार्टी का कोई ओबीसी के सारे कैंडिडेट हार जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या रहेगा सर? उसके लिए जो सरकार ने निर्देश दिए हैं वो रहेगा कि उसमें पार्टी हाईकमान कोई कैंडिडेट को चुनेगा, उसमें से अपने पार्टी में सेलेक्ट करेगा, फिर उसके बाद में ये तो अभी पूरी गाइडलाइन डिटेल में आएगी तब मैं आपको बताऊँगा। ग्रुप को लेकर मैं ये कहना चाहूँगा, ग्रुप में किसी भी तरह का प्रचार प्रसार पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। यदि ऐसा कोई प्रचार प्रसार करता या किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष की आलोचना करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये हमेशा रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में होती है, तो बाड़मेर का रिटर्निंग ऑफिसर उपखंड कार्यालय में ही है, इसलिए यहाँ रहेगी।